अगर आपने कोई काम 1 घंटा करने का सोचा है, कोई भी काम, मान लीजिए चलिए पढ़ाई ले लेते हैं, आपने 1 घंटा पढ़ाई करने की सोची तो आप 1 घंटा 15 मिनट पढ़ो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस 15 मिनट में आप बहुत ज्यादा सिलेबस कवर कर लोगे? नहीं, इसके पीछे एक रीजन अलग है। वो ये कि आप इस तरह से करोगे तो आप धीरे धीरे अपने ऊपर कंट्रोल पालोगे, आप धीरे धीरे अपने मन को बांधना सीखोगे। क्योंकि आप अगर 1 घंटा पढ़ने की सोचते हो तो 30-40 मिनट तक तो ठीक है, उसके बाद आप घड़ी देखते रहोगे, आपका जो मन है वो अस्थिर हो जाएगा, चंचल होता है मन बहुत ज्यादा, हमें उसको बांधने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपका मन आपको बार बार बोलेगा कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, तो आखिरी के 15 मिनट आपके लिए बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अपने आप से कहिए कि एक क्या, मैं तो 1 घंटा 15 मिनट बैठूंगा, और आप उसको करिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर धीरे धीरे आप मन को जीत लेंगे, और एक बार मन को जीत लिया, मन पे कंट्रोल पा लिया, तो कोई चुनौती बड़ी नहीं है।